नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी जो हमने मैंने जो है आपको 2 दिन पहले एक क्विज का क्वेश्चन दिया था सीसीएनए लेवल का। दोस्तों यहां पे मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने सही बताए हैं, उनके भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। सभी के बारे में जो बात करेंगे कि किसने कितने आंसर सही दिए और कितने आंसर गलत दिए हैं, ताकि आप अपने आप को करेक्शन भी कर पाए। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया था कि अगर हम फर्स्ट टाइम किसी भी नेटवर्क में जो है एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है इनिशिएट कर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला का आंसर है कि आपका ARP जो प्रोटोकॉल है, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है, ये काम में आता है। बेसिकली इसका काम होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पता लगवाना और लाकर जो है जब वापस आता है तो उसके बाद ही डेटा जो है ट्रांसमिट हो पाता है, जब हम फर्स्ट टाइम में करते हैं। तो इसलिए ARP रिक्वेस्ट जो है आपकी सबसे पहले जनरेट होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने पूछा था कि अगर हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे कौन सा पैकेट जो कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है। तो वहां पे आप लोगों में से बहुत लोगों ने सही आंसर दिए हैं कि वहां पे ICMP प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है वो काम में आता है। और यहाँ पे इसका काम होता है कि जो भी डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, उसका काम करना। और बता दूं आपको कि ये प्रोटोकॉल जो है आपका काम में आता है पिंग के अंदर, और अगर हम ट्रेस RT वगैरह करते हैं वहां पर भी जो है ICMP प्रोटोकॉल ही काम में आता है। और जब भी यहां से रिक्वेस्ट जाती है, यानी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जब तक आपकी रिक्वेस्ट जाती है, तो वहां पे जो है यहाँ पे मैसेज टाइप जो है इसके अंदर 8 जाता है। जब वहां से रिप्लाई आता है डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ, तो वहां पे मैसेज टाइप 0 जो है ये जाता है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ब्रॉडकास्ट अगर कोई भी नेटवर्क के अंदर फर्स्ट टाइम जब हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है तो वहां पर जो है क्या ब्रॉडकास्ट होगा या यूनिकास्ट होगा। तो यहां पे मैं बता दूं कि सबसे पहले जब भी हम फर्स्ट टाइम नेटवर्क के अंदर जो है क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, वहां पर जो है ब्रॉडकास्ट होता है। अब इसको जो है पूरा और ज्यादा क्लियर करने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के इसका आंसर देखते हैं। सो दोस्तों, ये जो है अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रियल टाइम में सिमुलेशन मोड पे जाकर पैकेट ट्रेसर के अंदर कि किस तरह से जो है कौन सी रिक्वेस्ट जो है फर्स्ट टाइम जब हम नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो काम में आता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट होता है या यूनिकास्ट होता है, वो हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्विच लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे एक PC है, यहाँ पे एक PC है, यहाँ पे एक PC है। इन तीनों के अंदर जो है मैंने एक स्टैटिक IP एड्रेस जो है कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब मैं यहां से एक पैकेट जो है यहां से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल जो है एक्टिव हुए, यहां पे ICMP और ARP रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हुई है। अब ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुई है तो ये क्या करेगा, यहां पे डेफिनेटली यहां पे जाके जो है, ये देखिए यहां पे जाके जो है ब्रॉडकास्ट करेगा। इसका कारण क्या है ब्रॉडकास्ट करने का, क्योंकि यहां पे जो है क्या है, अभी तक यहाँ पे इस जो हमारा स्विच था उसके अंदर जो मैक एड्रेस टेबल होता है, वो मैक एड्रेस टेबल जो है क्या नहीं हुआ है, उसके अंदर जो है कोई भी इसके पास डिटेल्स नहीं थी। वहीं पे अगर इसकी छोड़ो, अब मैं यहाँ पे जहाँ से सोर्स से हमारा जनरेट हुआ है पैकेट, वहाँ पर भी अगर मैं आपको ARP-A करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं नो ARP एंट्री फाउंड। ठीक है ना, अभी तक इसके पास किसी भी PC का IP एड्रेस, मैक एड्रेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे ARP रिक्वेस्ट जो है जनरेट हुई है। चलिए अभी इसको कैप्चर फॉरवर्ड करते हैं और ये रिक्वेस्ट पहुँच गई किसके पास, PC के पास। और अब जाकर यहाँ से ICMP पैकेट जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमुलेशन मोड में ICMP पैकेट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखिए ये ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा है, अब पहुंच गया। अब अगर मैं आपको PC का यहां पे जाकर जो है वापस से वही कमांड चला के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसके पास क्या आ गया है, यहां पे एड्रेस आ चुका है कि जिसका IP नंबर ये है और उसका मैक एड्रेस जो है वो ये है, और यहां पे आप देख सकते हैं टाइप डायनेमिक है। ठीक है ना, तो ये जो प्रोटोकॉल, ये जो ICMP प्रोटोकॉल जब काम किया पूरा सोर्स से डेस्टिनेशन तक आया जाकर, तो इससे क्या हुआ कि इस PC को इस IP एड्रेस का क्या मिल गया,
यहाँ पे मैक एड्रेस जो है मिल गया, लेकिन पहले इसके पास कोई भी एंट्री नहीं थी, इसीलिए जो है ब्रॉडकास्ट होता है फर्स्ट टाइम के अंदर, ठीक है ना। यूनिकास्ट अब जितने भी पैकेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिकास्ट होंगे। चलो मैं इस वाले पैकेट को क्या कर देता हूँ, जो हमारा कंप्लीट हो गया इसको हटा देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे आपको वापस से यहाँ से यहाँ पैकेट दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं आर्प रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे सीधा का सीधा आईसीएमपी जो पैकेट है वही यहाँ पे जो है जनरेट हुआ है। क्यों, उसका कारण यही है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या है, मैक एड्रेस इसको सोर्स डेस्टिनेशन का पता चल चुका है। सो दोस्तों, इसके बाद जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल, ये दोनों किस प्रोटोकॉल नंबर पे काम करते हैं, तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो आपका प्रोटोकॉल नंबर 6 पे काम करता है, वहीं पे अगर यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर अगर बात करें तो वो जो है प्रोटोकॉल नंबर 17 पे काम करता है। टीसीपी जो है हमारा एक रिलायबल लिंक है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, वहीं पे यूडीपी जो है अनरिलायबल जो है ये प्रोटोकॉल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मैक एड्रेस जो है वो कौन सी लेयर पे जो है, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे जो है वो काम में आता है, तो यहाँ पे आंसर है आपका ये आपकी सेकंड लेयर, यानी कि आपकी डेटा लिंक लेयर पे जो है काम करता है मैक एड्रेस, क्योंकि डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही मैक एड्रेस जो है वो काम में आता है, उसी के जरिए जो है पूरा सोर्स और डेस्टिनेशन के जो मैक एड्रेस वगैरह है वो फाइंड किए जाते हैं और वहीं से जो है पूरा का पूरा काम जो है ये किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा एनटीपी प्रोटोकॉल जो है ये हमारा कहां पर काम में आता है और क्यों काम में आता है, तो यहां पे मैं बता दूं एनटीपी प्रोटोकॉल का वैसे मैंने फुल फॉर्म तो पहले ही बता दिया था, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे वापस एक बार, और वहीं चल के मैं आपको ये समझाता हूं। सो अब बात करते हैं हम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल नेटवर्क के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए जरा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कर लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, ये एक सर्वर है, ठीक है ना। अब इस सर्वर के अंदर जो है आपका कोई भी डेटाबेस चल रहा है, लेकिन किसी ने गलती से जो है इसका क्या कर दिया, टाइम चेंज कर दिया, या देखते हुए या टाइम चेंज कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी डेटा आपका आपके नेटवर्क से आके स्टोर होगा उसका टाइम जो है गलत हो जाएगा। या एक और एग्जांपल के लिए लूँ, सपोज कर लो कि आपका नेटवर्क है, आपके नेटवर्क के अंदर जो है आपने क्या कर रखा है, फायरवॉल लगा के रखा है, ठीक है ना। फायरवॉल के अंदर लगा के रखा है, वहाँ पे आपने एक पॉलिसी लगा के रखी है कि आपके एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट जो है वो 10 बजे स्टार्ट होती है और यहाँ पे 6 बजे जो है वो क्या होती है, ख़त्म होती है। तो यहाँ पे इस दौरान यानी इस टाइम के दौरान जो है क्या ओपन ना हो आपके नेटवर्क के अंदर, सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी ने क्या है उसका टाइम जो है वो चेंज करके सीधा 18 पे सेट कर दिया। अब इससे होगा क्या कि सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पे फायरवॉल के अंदर क्या है, टाइम जो है वो 6 बजा रहा है। तो इस वजह से जो है जब भी यहाँ पे कोई एम्प्लॉई आपके एंटर करेंगे तो सोशल मीडिया की वेबसाइट, आपने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी कि वो सोशल मीडिया जो है ओपन नहीं होना चाहिए, पर ऐसी कंडीशन में क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सोशल मीडिया की जो एक्सेस है वो सभी पीसी पे पूरे नेटवर्क के अंदर मिल जाएगी। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, नेटवर्क के अंदर एक सर्वर बना के उसमें जो है एनटीपी जो है सर्विसेज चालू करी जाती हैं। अब इससे होगा क्या, एनटीपी सर्विसेज करती क्या हैं, ये क्या करती हैं, जैसे कोई भी टाइम आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको सिंक करके वापस से टाइम को सेट कर देगा। यानी कि टाइम अगर गलती से चेंज भी हो जाता है या आप जो है जानबूझ के कोई चेंज भी कर देता है तो ये क्या करेगा, बार बार जो है थोड़ी देर में सिंक करके उसको क्या कर देगा, वापस से टाइम को करेक्ट कर देगा। तो ये आपका जो है एनटीपी जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे यूज़ में लाया जाता है ताकि इस तरह की डेटाबेस से जो गलतियाँ होनी है वो ना हो, और अगर हम फायरवॉल वगैरह के अंदर जो है इस तरह की पॉलिसी जो है जिस पर्पज़ के लिए इंप्लीमेंट करी गई हैं उस पर्पज़ को जो है पूरा क्या करें, यूटिलाइज़ कर पाएँ और उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो पाएँ। तो ये एनटीपी प्रोटोकॉल जो है आपका इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम श्योर कि आपको एनटीपी प्रोटोकॉल के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि किस किस ने सही आंसर दिए हैं। तो ये वीडियो है जिसपे हमने जो है पूरा ये क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पे कुछ 11 कमेंट आए हैं, तो पहला कमेंट तो हमारा ये है तो इसको छोड़ देते हैं। पहला है हमारा संदीप वर्मा, जिन्होंने आंसर किए हैं 3 क्वेश्चन।
पहले क्वेश्चन का आंसर आर्प दिया, बिल्कुल सही है। दूसरे का आईसीएमपी दिया है। तीसरे का ब्रॉडकास्ट ऑन बेस्ड ऑन दी आईपी डिवाइस दैट विल एक्सेप्ट इट, वो बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद है अभिजीत आनंद का, उन्होंने जो है 6 के 6 आंसर जो हैं वो सही दिए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये लीज 6th आंसर जो है लीज लिखा है, बट आई थिंक ठीक है, वो भी आप कर सकते हो उसको कंसीडर। और उसके बाद है MV टेक्नो ने जवाब दिया है यहाँ पे, पहले का आर्प ICMP ब्रॉडकास्ट TCP 6 और UDP 17 पे काम करता है डेटा लिंक लेयर, और 6th का आंसर जो है इन्होंने अभी जो है क्या दिया नहीं है, जहाँ इनको आइडिया नहीं है, तो मेरा आंसर देख लें। और यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो है कृष्णा ज्योतिष ने जो है वो दिया है, पहले का आंसर है आर्प, दूसरे का ICMP, तीसरे का ब्रॉडकास्ट, अब चौथे का जो है 6 और 17, और यहाँ पे 5वें का आंसर DLL दिया है। अब DLL जो है वो क्यों दिया है, अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बता दूँ आपको, इसका मतलब DLL का मतलब होता है डेटा लिंक लेयर, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। और यहाँ पे जो है 6th जो है वो है सिंक्रोनाइजेशन, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, NTP प्रोटोकॉल जो है वो सिंक्रोनाइज करता है पूरे नेटवर्क को टाइम को, ठीक है। उसके बाद जो है अभिनव सिंह की तरफ से जो आंसर आए हैं बिल्कुल सही आए हैं सारे के सारे, तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर इन्होंने दिए हैं। इसके बाद राहुल रॉय ने जो है पहले का आंसर जो है आर्प दिया, दूसरे का ICMP, तीसरे का ब्रॉडकास्ट, फिर उसके बाद Layer 2 डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद के आंसर जो है 6th का इन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद जो है अजय सोनी, इन्होंने कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नहीं पूछा, अलग पूछा, इनका आंसर मैं बाद में करूंगा। और संदीप वर्मा ने सिर्फ 5वें का दिया है Layer 2, और उसके बाद हमद हबीब ने जो आंसर दिया है रिप, तो यार रिप तो कहीं पर भी ये सब फिट नहीं होता, ये आंसर गलत है आपका। और यहाँ पे एक आपने मोहम्मद हबीब ने जो है सॉरी हमाम हमद हबीब ने जो एक आंसर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ICMP, तो ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है और सही है, ICMP जो है बिल्कुल सही है, लेकिन रिप जो है वो आपका गलत आंसर है। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लें कि वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पर काम में आता है। सो दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और क्योंकि इस तरह का और वीडियो जो है हफ्ते में मैं लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए, जहां पर जो है आप अपने नेट अपने जो नॉलेज है उसको रिफ्रेश कर पाएंगे, और जो है यहां पे हम जो है एक दूसरे की भी हेल्प कर पाएंगे, जिनको नहीं मालूम है इनके आंसर उनको भी आंसर जो है पता चलते रहेंगे। सो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने नए हैं मेरे चैनल पे तो क्या करना है आपको, नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन उसको दबाना है, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबाना है ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।